नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं अपना RNF YouTube चैनल। दोस्तों आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके पास अपना खुद का भी मकान तक नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी में रहने के बावजूद भी यह आज देश के, हमारे भारत देश के मंत्री हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रताप चंद्र सारंगी की। तो प्रताप चंद्र सारंगी जो कि एक आज भारत देश के मंत्री बने हुए हैं, जिनको मोदी सरकार ने मंत्री बना दिया है, इनके पास इन्होंने अपना प्रचार प्रसार, जो चुनाव प्रचार प्रसार किया, इन्होंने अपना चुनाव प्रचार साइकिल से किया। तो आप सोच रहे होंगे कि साइकिल से कोई प्रचार करके कैसे आखिर चुनाव जीत सकता है, तो वो आखिर कर दिखाया प्रताप चंद्र सारंगी ने। जी हाँ दोस्तों, प्रताप चंद्र सारंगी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दिखा दिया देश को कि कभी पैसों की मोहताज नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपना कर दिखाया और आज ये मंत्री हैं, देश के मंत्री बने और इनके पास अपना खुद का रहने का मकान भी नहीं। इनकी कुल संपत्ति, अनुमान लगाइए, आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते इतना कि इनकी कुल संपत्ति 1,25,000 रुपए मात्र है। इनकी कुल संपत्ति 1,25,000 है और ये झोपड़ी में निवास करते हैं और इन्होंने अपना चुनाव प्रचार, अपना जो चुनाव प्रचार किया, इन्होंने अपना चुनाव प्रचार साइकिल के जरिए से किया। और इनके जो विरोधी पार्टी से, कांग्रेस से खड़े हुए थे प्रत्याशी, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके बावजूद भी इनने अपना साइकिल से प्रचार किया, चुनाव प्रचार किया। तो आप समझ सकते हैं कि साइकिल से चुनाव प्रचार करना कितनी बड़ी बात है कि साइकिल से चुनाव प्रचार कर रहे और जीत के दिखाया उन्होंने। अपने जो सामने वाला इनका प्रत्याशी थे, उनके करोड़ों की संपत्ति थी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इन्होंने कर दिखाया। तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कभी कोई पार्टी इतने गरीब व्यक्ति को भी टिकट दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कर दिखाया मोदी सरकार, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे शख्सियत को चुनाव में उतारा जो कि जिसके पास अपना खुद का रहने का मकान नहीं था, जिसके पास प्रचार करने के लिए पैसे नहीं थे, और लेकिन वो शख्स एक ऐसा शख्स निकला कि मोदी के भरोसे पर खरा उतरा, एक ऐसा शख्स निकला जो मोदी के भरोसे पर खरा उतरा। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।